नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेक में आपको बता दूं, तस्कर बाबू सिंधी से जुड़ी हुई। जिस तरीके से बाबू सिंधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबू सिंधी तस्कर जो है अपने पुलिसकर्मी साथियों के साथ केक काट रहा था बंदूक से, बाराबोर से, उसके बाद पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर बाबू सिंधी से पूछताछ के लिए उसे पीआर पे लाए थे, उससे पूछताछ की गई थी, जहां पर चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। जिस तरीके से बाबू सिंधी और आरक्षक पंकज कुमार का जिस तरीके से लगातार तस्करी में रोल निभा रहे थे, उसके बाद लगातार जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे थे, एक बार फिर जो है एक बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पुलिस ने पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया है कि तस्कर बाबू सिंधी और आरक्षक पंकज कुमार जो उसके साथी है, उसके मित्र महिपाल की ये बंदूक थी, जो जिस दिन जो केक काटा गया था महिपाल वो बंदूक लेके आया था। इस तरह का खुलासा पुलिस ने किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेक में आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार तस्कर बाबू सिंधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वीडियो हर रोज़ एक नए सामने आ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर आरक्षक पंकज कुमावत ने तस्कर बाबू सिंधी पर के जन्मदिन पर 500-500 के नोट उड़ाए थे। उसके बाद तस्कर बाबू सिंधी के खिलाफ एसीबी की टीम, एनसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी। उसके बाद जो है बाबू सिंधी का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हम देख पा रहे थे किस तरीके से बाबू सिंधी अपने जन्मदिन पर बाराबोर बंदूक से केक, बंदूक है उससे केक काट रहा था। उसके बाद जो है जिस तरीके से लगातार ये वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नीमच सिटी पुलिस पीआर पे लिखाई थी जहां पर पूछताछ की गई, जिसमें पता चला है कि महिपाल जो आरक्षक पंकज कुमार का मित्र है उसकी ये बंदूक थी। उसके बाद जो है महिपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग जो है हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह बाबू सिंधी का जो केक काटने के लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान उसका जो बंदूक उसमें उपयोग की गई है केक काटने में, उसके पता करने के लिए बाबू सिंधी का पीआर लिया गया था और उसकी पूछताछ पर से उसके बताए अनुसार वो बंदूक जिनकी होना थी महिपाल गुजर निवासी नारायणगढ़ जिला मंदसौर की, उनसे उनको तलाश करके उनसे वो बंदूक बरामद की गई है। ये नारायणगढ़ का रहने वाला है महिपाल गुजर और पूर्व में पंकज कुमावत भी वहाँ पर रहा है और उसके बचपन का दोस्त है। देखिए जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसके लिए जो बंदूक किसकी थी इसके विवेचना का जांच का विषय था और उसी पर से प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ था और वो बंदूक किसकी थी ये स्पष्ट हो चुका है और आगे और भी कुछ तथ्य हैं जिसकी जाँच की जा रही है। वो कहाँ तक पहुँचे? देखिए वो विभागीय जाँच अलग से आदेश किया गया है और उसकी विभागीय जाँच जैसे देवास के पुलिसकर्मी हैं तो उनकी वहाँ पर हो रही है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी पदस्थ है जो भी अधिकारी हैं तो उनकी यहाँ पर अलग प्रत्यक्ष जांच की जा रही है।